पिछली वीडियो में हम लोग ये बात कर ही चुके हैं कि हम ग्रिप इकोनॉमिक फॉर्म बनाना चाहते हैं, और हम ये भी बता चुके थे कि हमें सबसे पहले हमारे पास CNF होना चाहिए। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास एक कोई ग्रामर होनी चाहिए। तो सबसे कोई भी आपके पास में CFG है, सबसे पहले हम उसे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको ग्रिप इकोनॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रिप इकोनॉमिक फॉर्म जो हमने बात की थी, हमने कहा था कि सारे प्रोडक्शन रूल हमारे पास में इस फॉर्मेट में होने चाहिए, जहाँ की ए एक टर्मिनल होगा और यू जो है वो एक वी यूनियन टी की कोई स्ट्रिंग होगी। ठीक है, वी वेरिएबल्स और टर्मिनल्स मिलाकर के जो भी सिंबल्स बनते हैं उनके ऊपर कोई एक स्ट्रिंग जो है वो यू होगी। फर्स्ट आइटम हमारा एक टर्मिनल होगा और इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, यदि हम चाहें तो स्टार्ट सिंबल के से एक एप्साइलन प्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि लैंग्वेज में एप्साइलन है तो उसको सपोर्ट करने के लिए इस प्रोडक्शन को एक्सेप्शन के तौर पर रखा गया है, बाकी सारे प्रोडक्शंस जो हैं वो इस फॉर्म में होने चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। अभी हम क्या करेंगे, एक ग्रामर लेते हैं जो लगभग CFG है, CFG के ज्यादातर रूल फॉलो करती है सिवाय एक रूल के, और वो ये कि स्टार्ट सिंबल जो है वो हमारा राइट साइड में अपीयर हो रहा है। हम इसको इसलिए इसको रखा गया है, इस एग्जांपल को इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि हमें एक साइकिल मिल जाए। सो ऑफ कोर्स हमें ग्रिप नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करना है तो हमको एक साइकिल भी चाहिए, एक मतलब जितने जो इसमें स्टेप्स हैं वो उनकी इम्पोर्टेंस हमें चाहिए। ठीक है, सो इसलिए इस एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं। ओके, लेट्स सी हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इनका नेमिंग करनी है, सो दैट हम पहले हम क्या करेंगे, सो हमारा जो फ्लो होगा वो क्या होगा। फ्लो ये होगा कि हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म मिल गई है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से हमने सारे इनडायरेक्ट रिकर्शंस पता कर लिए, फिर इनडायरेक्ट रिकर्शंस को हमने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट रिकर्शंस में। ठीक है, और डायरेक्ट रिकर्शन को फिर हमने रिमूव कर दिया, और उसके बाद में रिप्लेसमेंट्स कर करके जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको रिप्लेसमेंट कर करके हमने फर्स्ट जो रिप्लेसमेंट्स हमने किए और अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट हम करते चले जाएंगे ताकि हमें ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म मिलती चली जाए। यदि ग्रे बैक फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में लेके आते चले जाएं। तो हमारा जो फ्लो ऑफ वर्क है वो ऐसे है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, देन रिमूव इनडायरेक्ट रिकर्शन एंड मेक डायरेक्ट रिकर्शन, रिमूव डायरेक्ट रिकर्शन, रिमूव लेफ्ट ऑल द लेफ्ट डायरेक्ट रिकर्शन, एंड देन रिप्लेस जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है उसको आप प्रोडक्शन रूल का जो राइट साइड का लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है उसको आप रिप्लेस करते चले जाइए ताकि हम ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। सो हम लोग इस तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ग्रामर ले ली जो कि ऑलमोस्ट CNF में है। अब हमको इसकी नेमिंग कन्वेंशन देखनी है और इसका रिकर्शन पता करना। सो जाहिर सी बात है, यदि आप ह्यूमन वाली बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि एस जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी जो है एस में कन्वर्ट हो रहा है और ये रिकर्शन आ गया। ओके, पर हम इसको कंप्यूटर वाला नेमिंग कन्वेंशन दे करके उससे भी पता करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्री बना लेते हैं रूटेड विद एस, एस से रूट किया क्योंकि एस हमारा स्टार्टिंग सिंबल है तो एस से ही रूट करेंगे। तो एस या तो उसका जो फर्स्ट सिंबल होगा, जब एस डेराइव होगा तो फर्स्ट सिंबल या तो सी बन सकता है या फिर बी बन सकता है। बी बी का फर्स्ट सिंबल एस बन सकता है और यहां पर हमारे पास रिकर्शन आ चुका है। ठीक है, लेकिन हमें अभी एक हमारा सिंबल कवर नहीं हुआ है जो है ए, और ए कहीं पे भी कवर नहीं हो रहा है, तो हम लास्टली ए को हम सबसे लास्ट में नंबर दे देंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी विल नंबर। तो सबसे पहले हमने एस को नंबर दिया क्योंकि हमें ब्रेड फर्स्ट सर्च में चलना है, रूट की तरफ से शुरू करते हुए ब्रेड फर्स्ट सर्च में चलना। तो एस इज A1, C is A2,
इज ए थ्री एंड ए इज ए फोर। ऐसा करने से जो हमारे प्रोडक्शन रूल्स बनते हैं उनको हम बना लेते हैं यहां पर ए वन टू, दिस विल बिकम अवर सेकेंड प्रोडक्शन रूल। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन रूल हो गया, ये सेकेंड प्रोडक्शन रूल हो गया। सो दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन। नाउ वी विल कन्वर्ट द थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, ए टू टू बी और ए फोर टू ए। सो यदि हम यहां पर देखें ध्यान में, ये हमारा तीसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये चौथा हो गया। सो इस तरीके से वी हैव कन्वर्टेड ऑल द प्रोडक्शन रूल्स इनटू द नंबरिंग सिस्टम। ओके, अब यहां पर हम ध्यान दें तो ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा है, वो इट्स ओके। ये नंबर इस नंबर से छोटा है एंड ऑल्सो ओके। ये नंबर ए थ्री है, ए वन से छोटा नहीं है, सो इनडायरेक्ट रिकर्शन। सो आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट रिकर्शन। ओके, सो हम क्या करेंगे, जहां पर इनडायरेक्ट रिकर्शन हमें दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे, और जिस प्रोडक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है उसको ही रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए थ्री से ए वन आ रहा है तो हम ए वन को रिप्लेस करेंगे। अब ए वन को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास में दोनों ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन भी है, एक ये वाला ऑप्शन भी है। सो जो ये सेकंड वाला प्रोडक्शन रूल है वो अब किस तरीके से चेंज होगा इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। ए वन कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए टू ए फोर, ए टू ए फोर और लास्ट में ए थ्री, और ए वन कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए थ्री ए थ्री और लास्ट में ए थ्री। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास में ये प्रोडक्शन रूल आ गया। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें एक डायरेक्ट रिकर्शन दिख रहा है और एक इनडायरेक्ट रिकर्शन फिर से दिख रहा है, ये ए टू वाला, क्योंकि ये थ्री बड़ा है ये टू छोटा है। पर जब हम ए टू के प्रोडक्शन रूल्स देखते हैं तो यहाँ पर बी आ रहा है, सो हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो ये इसमें रिकर्शन का कोई इशू बचेगा नहीं। तो कैसे होगा ये, सो हमने कहा कि ठीक है हम इसको रिप्लेस कर देते हैं ए टू को। तो हमने जब रिप्लेस किया तो यहाँ पे हमारा चेंज होकर के बी आ गया। तो अब मेरे पास में डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट रिकर्शन है वो नहीं बचा है यहाँ पर, अब सिर्फ एक डायरेक्ट रिकर्शन बचा है इस एक प्रोडक्शन रूल की वजह से, राइट। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए थ्री डिराइव्स टू बी और बी ए फोर ए थ्री और ए थ्री ए थ्री ए थ्री। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैथमेटिक्स हमेशा टेम्पलेट की तरह काम करती है और टेम्पलेट में आपको बस चीजें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो जब हमारे पास में इस तरीके का प्रोडक्शन रूल आ गया है तो हम अपना जो लेफ्ट रिकर्शन को हटाने का जो तरीका था उसको एक बार ध्यान दे लेते हैं। हमारे पास थे इस तरीके से ए ए अल्फा और बीटा, जिसमें ए अल्फा लेफ्ट रिकर्शन वाले सारे रूल्स थे, बीटा वो वाले सारे रूल्स थे जिनमें रिकर्शन नहीं था, लेफ्ट रिकर्शन नहीं था। और हमने इसको कन्वर्ट किया था, इन दो चीजों को हमने कन्वर्ट किया था इस तरीके से। हमने कहा कि ए बीटा और बीटा ए डैश, और फिर ये जो ए डैश है ये किसमें कन्वर्ट होगा, अल्फा और अल्फा ए डैश में। ठीक है, ये इस तरीके से हमने ये चार प्रोडक्शन रूल्स बना लिए थे। ओके, अब हम यहां पर भी यही करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारा बीटा क्या है, हमारा अल्फा क्या है, हमारा ए क्या है। सो ए ये वाला पार्ट ए है, सो दिस इज ए, दिस इज ए। व्हाट इज बीटा, बीटा वो है जिसमें लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, तो ये हो गया आपका बीटा।
और अल्फा क्या है? अल्फा है ये वाला पार्ट, रिकर्शन को, लेफ्ट रिकर्शन को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट बचा वो अल्फा है। तो अब यदि हमें इस तरीके की फॉर्म बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? सो ए बीटा, बीटा लिख दें यहाँ पर, बी और बी ए फोर ए थ्री, ठीक है, और बीटा ए डैश। अब बीटा में या तो आप इस पे डेराइव कर सकते हो, ए थ्री या तो बी में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ए थ्री जो है बी ए फोर ए थ्री में कन्वर्ट हो सकता है। सो इसका मीनिंग जो हमारे पास में वर्टिकल बार है, इसका मीनिंग है इधर बी ए थ्री कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी, और ए थ्री कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी ए फोर ए थ्री। तो और बीटा ए डैश का क्या मतलब है कि बीटा में जो जो भी स्ट्रिंग बीटा जनरेट कर सकता है उसमें ए डैश से जो जो स्ट्रिंग जनरेट होती है वो कॉन्केटिनेट कर दी जाए। तो बीटा ए डैश, तो बीटा ए डैश मतलब या तो आप ये जनरेट कर सकते हो, बी जनरेट कर सकते हो, तो बी के बाद ए डैश हो सकता है, राइट? या फिर आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर ए जो है हमारा ए थ्री ही है, सो मैं थ्री लिख देता हूँ। हाँ, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये पूरा का पूरा जनरेट कर सकते हैं, सो बी ए फोर ए थ्री और अब ए डैश, ठीक है। सो हमारे पास में बीटा और बीटा ए डैश बन गया। अब ए डैश के लिए हमें प्रोडक्शन रूल बनाना। ए डैश का प्रोडक्शन रूल क्या है? ए डैश का प्रोडक्शन रूल है अल्फा, अल्फा क्या है? ए थ्री ए थ्री, ओके, ए थ्री ए थ्री। और अल्फा ए डैश, अल्फा हमारे को पता है ए थ्री ए थ्री, और ए डैश क्या है? ए डैश ही है। तो हमने ये देखा कि हम ए थ्री में से पूरी तरह से लेफ्ट रिकर्शन हटा चुके हैं। यहाँ पर भी लेफ्ट रिकर्शन कहीं नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ इस प्रोडक्शन में भी नहीं है, इस प्रोडक्शन में भी नहीं है, और इस तरीके से हमने ए थ्री में से लेफ्ट रिकर्शन हटा दिया है। तो इन टोटालिटी अब यदि हम वापस से देखें कि हमारे पास में प्रोडक्शन रूल्स क्या बन गए हैं, ग्रामर क्या बन गई है, लेट्स सी। हमारे पुराने प्रोडक्शन ये थे, तो हम एक बार इसको रीराइट कर लेते हैं। सो ए वन, लेट मी चेंज माय पेन कलर, ए वन गोज टू ए टू ए फोर, ए टू हम रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि अब हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। तो ए टू हमने रिप्लेस किया क्योंकि हमें यहाँ पर टर्मिनल चाहिए, ए टू हमने रिप्लेस किया, बी आ गया, सो बी ए फोर, ओके। हम अब रिप्लेसमेंट पे आ गए हैं कि अब हम रिप्लेस करते चले जाएंगे, या तो हम यहाँ से रिप्लेस करना पड़े या यहाँ से रिप्लेस करना पड़े, वी विल रिप्लेस एंड विल सी कि हम किस तरीके की सिचुएशन में पहुंच गए। ए थ्री, ए थ्री को हमें रिप्लेस करना चाहिए, तो ए थ्री को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास ये तरीके हैं। सो हमने लिखा बी बी ए फोर ए थ्री, ओके। सिर्फ हमने पहले ए थ्री को रिप्लेस करना है, लेकिन दूसरा ए थ्री तो एज इट इज रहेगा, सो बी ए थ्री, ये जो दूसरा ए थ्री है हमारे पास में वो एज इट इज आएगा। ए टू को हमने रिप्लेस किया, तो इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्शन रूल था, तो बी से हमने रिप्लेस किया, बी ए फोर हो गया। अब ए थ्री को रिप्लेस करेंगे तो ये दूसरा ए थ्री एज इट इज आएगा, सो ए थ्री कैन बी 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 ए थ्री, देन बी ए फोर ए थ्री और बी ए डैश ए थ्री और बी ए फोर ए थ्री ए डैश ए थ्री, ठीक है, राइट? सो ए वन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू A1 के जो प्रोडक्शन रूल्स हैं सारे के सारे ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में आ गए हैं। ए थ्री के हमने चेंज कर ही दिए थे, वो भी हम लिख लेते हैं, बी बी ए फोर ए थ्री बी ए डैश बी ए फोर ए थ्री ए डैश, राइट? फिर ए टू इज बी, ए फोर इज ए, नो प्रॉब्लम, एंड ए डैश,
अब ए डैश में जो ए थ्री आ रहा है और ये ए थ्री आ रहा है, इसको हमें रिप्लेस करना होगा वापस से. सो ए डैश कन्वर्टेड टू ए थ्री. ए थ्री क्या है? ए थ्री ये सारा है, उसके बाद में ए थ्री लगेगा, हर एक के बाद में ए थ्री लगेगा. तो बी ए थ्री, बी ए फोर, ए थ्री, ए थ्री. सो ये वाला जो लास्ट ए थ्री है मैं यहाँ पर लगाता जा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज पर थोड़ा ध्यान रखिएगा. बी ए डैश ए थ्री, बी ए फोर, ए थ्री, ए डैश ए थ्री, राइट. सो ये ए डैश का ये वाला पार्ट अभी मैं खत्म कर पाया हूं. अब हमें वापस इस पार्ट को भी खत्म करना पड़ेगा. तो इसमें क्या आएगा? ए थ्री ए डैश आएगा. सो ए डैश कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय बी ए थ्री ए डैश. सो अब आप ये देखिए कि मेरे को ये पूरा लिखना रहेगा बी ए थ्री ए डैश और बी दिस ए थ्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस पार्ट ऑल्सो बी ए फोर ए थ्री ए थ्री ए डैश बी ए डैश. सो दिस पार्ट आई हैव रिटन बी ए डैश ए थ्री ए डैश. के अलावा बी ए फोर लास्ट वाला प्रोडक्शन रूल इसका बी ए फोर ए थ्री ए डैश ए थ्री ए डैश. सो अब हम देख सकते हैं कि पहला इन सारे जो हमने हमने प्रोडक्शन रूल्स लिखे हैं, इन सब में पहली चीज जो है वो टर्मिनल सिंबल ही आ रही है. ये भी टर्मिनल है, इसमें भी टर्मिनल है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी. सो ये तो एक ही है. सो टर्मिनल सिंबल आ रहा है, यहाँ पर भी टर्मिनल आ रहा है, टर्मिनल सिंबल आ रहे हैं सब में. यहाँ पर भी टर्मिनल सिंबल्स आ रहे हैं. फर्स्ट एलिमेंट जो है वो टर्मिनल सिंबल्स का है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो टर्मिनल सिंबल है, टर्मिनल सिंबल है, टर्मिनल है, टर्मिनल है, टर्मिनल सिंबल है, टर्मिनल सिंबल है, टर्मिनल सिंबल है और टर्मिनल सिंबल है. सो दिस वे वी हैव कन्वर्टेड टू ग्रेवक नॉर्मल फॉर्म. थैंक यू.